फ्रेंड्स, मैं हूं क्रिश और आप देख रहे हैं कारखाना। फ्रेंड्स, इंडियन मार्केट में बहुत जल्द टोयोटा की फॉर्च्यूनर और फोर्ड की एंडेवर को टक्कर देने आ रही है एमजी की क्लस्टर। एमजी मोटर्स इंडिया इंडियन मार्केट में एमजी हेक्टर और इलेक्ट्रिक कार ZS EV की कामयाबी के बाद हाल ही में अपने 6-सीटर SUV हेक्टर प्लस को लॉन्च किया है। अब कंपनी इंडिया में अपनी 7-सीटर प्रीमियम SUV क्लस्टर को लॉन्च करने की तैयारी में है। MG इंडिया में अपने पोर्टफोलियो में लगातार इजाफा कर रही है। MG मोटर्स ने अपने इस प्रीमियम SUV को पहली बार फरवरी में हुए ऑटो एक्सपो 2020 में पेश किया था। MG के इस अवेटेड SUV का इंडियन कार लवर्स को काफी टाइम से इंतजार है। इस SUV की इंडिया में टेस्टिंग भी जारी है और हाल ही में इसे कई बार सड़कों पर स्पाय भी किया जा चुका है, जिसकी तस्वीरें भी लीक हो चुकी हैं। वैसे आपको बता दें कि कंपनी ने अपनी आने वाली SUV का पहला ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया है, तो आज हम आपको इसी क्लस्टर के बारे में बताएंगे। इस ऑल न्यू क्लस्टर में नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। MG क्लस्टर के टीजर वीडियो में अब तक की यात्रा और MG क्लस्टर को दिखाया गया है, जिसका टैगलाइन है नेक्स्ट जेन ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। इस SUV की लंबाई 5 मीटर से ज्यादा होगी और ये इंडियन मार्केट में इस कंपनी की फ्लैगशिप मॉडल भी होगी। अब हम इसमें मिलने वाले एडवांस सेफ्टी फीचर्स की बात करेंगे। तो MG क्लस्टर के टीजर वीडियो से इस SUV में मिलने वाले कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स का खुलासा हुआ है। वीडियो के मुताबिक क्लस्टर SUV में फ्रंट कोलिजन वार्निंग सिस्टम और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं। सेफ्टी के लिहाज से ये फीचर्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे, जिसकी मदद से आगे की सड़क स्कैन हो जाती है। इसका फायदा ये होता है कि सेंसर्स को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि कोई इमरजेंसी आने वाली है और उसमें तेजी से ब्रेक लगाने की क्षमता भी बढ़ जाती है, जिसमें पहले ये ड्राइवर को अलर्ट देता है, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक तरीके से ब्रेक लगा देता है। अब अगर क्लस्टर के डिज़ाइन की बात करें, तो क्लस्टर के लुक और स्टाइलिंग की बात करें, तो इस SUV के फ्रंट में क्रोम स्लैट्स के साथ बड़ी ऑक्टागोनल ग्रिल, LED DRLs के साथ स्वेप्ट बैक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, राउंड क्रोम ब्रेजल के साथ फॉग लैम्प और स्कल्प्टेड बम्पर और हुड दिए हुए हैं। इसके अलावा इस कार में रूफ रेल्स, क्रोम डोर हैंडल्स, LED टेल लैम्प्स, विंडो लाइन के चारों ओर क्रोम, बोल्ट शोल्डर क्रीज और डुअल टोन अलॉय व्हील्स जैसे एलिमेंट्स इसके लुक को और ज़्यादा स्टाइलिश बना देते हैं। अब हम बात करते हैं क्लस्टर में आने वाले फीचर्स की। तो क्लस्टर SUV में MG की कनेक्टेड कार आई स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें कई एडवांस टेक्नोलॉजी फीचर्स होंगे। इस SUV में एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फ्लैट बॉटम 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील, वॉइस कमांड, सनरूफ और लेदर सीट्स अपहोल्स्ट्री जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसके साथ साथ क्लस्टर में 3-जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग और लार्ज पैनारोमिक सनरूफ, 8.0 डिजिटल इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएंगी। अब इस SUV क्लस्टर की सेफ्टी की बात करते हैं। तो सेफ्टी के लिहाज से MG क्लस्टर में EBD के साथ ABS, एयरबैग्स, ओवर स्पीड वार्निंग, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स और पेडेस्ट्रियन क्रैश सेफ्टी जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा इसे प्रीमियम SUV में ऑटोमेटिक पार्क असिस्ट फीचर्स भी मिलेगा, जो कि ड्राइवर को गाड़ी की आसान पार्किंग में बहुत मदद करती है। क्लस्टर कंपनी की चीन में बनने वाली मैक्सस D90 का एक रीबैज वर्जन है। इसके अलावा यही SUV LDV D90 के नाम से भी बेची जाती है। SAIC जो MG की मालिक है, वो मैक्सस और LDV की भी मालिक है, जो कि इसके एक सपोर्टिव ब्रांड्स हैं। आपको बता दें कि MG मोटर्स चीन के SAIC मोटर्स से अंडर चलने वाली ब्रिटिश कार कंपनी है। फ्रेंड्स, थोड़ा आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्लस्टर का इंजन कैसा रहने वाला है। अब इसके इंजन की बात करेंगे, तो क्लस्टर का मैक्सस D90 चीन मार्केट में 2.0 लीटर सिंगल टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आता है। ये SUV दो वर्जन्स में अवेलेबल है। एक वर्जन 224 PS की पावर और 360 Nm टॉर्क जनरेट करता है, जबकि दूसरा वर्जन 218 PS की पावर और 350 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा ये 2.0 लीटर सिंगल टर्बो और ट्विन टर्बो डीजल यूनिट में भी अवेलेबल है।
सिंगल टर्बो डीजल यूनिट 163 पीएस की पावर और 375 एनएम टॉर्क जनरेट करता है, जबकि वहीं ट्विन टर्बो डीजल इंजन 218 पीएस की पावर और 480 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। इंडियन मार्केट में आने वाली ग्लॉस्टर एसयूवी में 2.0 लीटर बाई टर्बो डीजल इंजन मिलेगा। ये इंजन 8 स्पीड एएमडी गियरबॉक्स के साथ आएगी। इसके अलावा पार्ट टाइम फॉरवर्ड सिस्टम भी अवेलेबल होगा। और अगर आप इसकी प्राइसिंग की बात करें तो एमजी के इस 7 सीटर प्रीमियम एसयूवी की कीमत 35 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में तो दावा किया गया है कि एमजी अपनी एसयूवी ग्लॉस्टर को अक्टूबर में लॉन्च कर सकती है। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि एमजी बहुत जल्द अपनी ZS एसयूवी पेट्रोल को भी इंडिया में लॉन्च कर सकती है, जो कि ZS ईवी का ही एक रूप होगा। तो फ्रेंड्स, देखना है कि ये गाड़ियां कब तक आती हैं और इंडियन मार्केट में कैसा रिस्पांस कायम करती हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने कमेंट्स ज़रूर करें, आप बताएं इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते रहते हैं ऑटोमोबाइल जगत की सारी न्यूज़ अपडेट्स।